प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही वो वाहिद कौम के लीडर, प्राइम मिनिस्टर और मसीहा हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे लेके जाएंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान बेसिकली निकले हैं ये पैगाम देने के लिए कि जो तहरीक इंसाफ है यहाँ से उभरी थी, उसमें हम जैसे वर्करों का हाथ था, जो नज़रिए के लिए खड़े थे, जो नज़रिए के लिए लड़े थे, और वो नज़रिया हमें किसने दिया, वो सोच हमें किसने दी, वो सोच हमें इमरान खान ने दी, वो सोच इमरान खान की है, आज हम यहाँ पर खड़े हैं। जो कहते हैं, जो आज भी कह रहे थे मुझे कि ये जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान को बनाने वाला जहांगीर खान तरीन है, तो मैं कहती हूँ भाई आप दो, आप जब मिनिस्टर थे आपको कौन जानता था, आप जब पार्लियामेंट में बैठे थे आपको कौन जानते था, इस ज़िले ने आपको पहचान दी, इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन को जहांगीर खान तरीन बनाया। आप हमारे वोटों का सौदा नहीं कर सकते, आप हमारे ज़मीन नहीं खरीद सकते, हमने आपको वोट दिया इसलिए नहीं दिया था कि आप हमारे वोट का अकेले बैठ के फैसला करें, इसलिए हम आपके साथ नहीं खड़े हुए थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला लोधरा पहले भी इमरान खान का घर थी और आज भी रहेगी इंशाल्लाह ताला, और ये जो अदम एतमाद है ये नाकाम होगी। ये जो पूरी ये जो मसला है मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये जंग किसी एक फर्द की जंग नहीं है, ये पूरे आलम इस्लाम की जंग है, पूरी दुनिया हमारे लीडर के कारनामों को सराहती है, लेकिन हम बजाते कौम हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए एक सवाल या निशान है, हम कहाँ खड़े हैं। आज एक शख्स जो 70 सालों के बाद आलम इस्लाम की बात कर रहा है, जो दीन की बात कर रहा है, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, पूरी दुनिया तो खड़ी हो। मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है हमारी कौम में अब वो शऊर है, हम भी बाशऊर हैं और तुर्क कौम की तरह हम भी अब सड़कों पे निकलेंगे। मुझे इंतहाई अफसोस है जो न्यूट्रल होने की बात करते हैं, पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान की कौम जाग रही है, हम निकलेंगे अपने लीडर को डिफेंड करेंगे, और ऐसा लीडर मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख में फिर नहीं आएगा। मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये पूरी दुनिया में आपकी बका की जंग है, अपनी बका की जंग के लिए निकलें बाहर और लीडर को सपोर्ट करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा तारिक, ज़िले रहनुमा पीटीआई वुमेन विंग रहीमियर खान। आज का जो ये मेरा वीडियो मैसेज है ये स्पेशली हम तमाम वर्कर्स इंसाफियंस के लिए और पाकिस्तानी मुहब्बे वतन गैर पाकिस्तानियों के लिए है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो पीडीएम का, जो अपोजिशन का सारा कचरा था वो एक तरफ खान साहब ने जमा कर दिया और इलेक्टेबल्स की सियासत को जो है वो उसने खैरबाद कह दिया। अब इंशाल्लाह तमाम वर्कर्स के पास ये एक अच्छा मौका है, हम मिलके मेहनत करेंगे इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हम लोग मिलके काम करेंगे। आप तमाम वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान खान की जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है, ये तमाम इंसाफियंस की जीत है। आप सब ने मिल के पाकिस्तान की बका के लिए इमरान खान का साथ देना है और पहले से बहुत ज़्यादा साथ देना है, क्योंकि अब हमारी असल जंग इन माफियाज के साथ है। जो कचरा एक जगह इकट्ठा किया गया उसको सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह इन जमीर फरोशों ने दो टकों के लिए अपने ईमान को बेचा, अवाम के मैंडेट को बेचा। जो पार्लियामेंटेरियन आप आवाम का, हम वर्कर्स का, हमारे वोट का मैंडेट बेचकर सौदा करके और वो लोग अपनी टिकट्स कंफर्म करने के लिए गए हैं, तो वो किसी भी सूरत काबिले भरोसा नहीं है। ऐसे पार्लियामेंटेरियन को, ऐसे इलेक्टेबल्स को किक आउट कीजिए और अपने पाकिस्तान के फैसले के लिए डट के इमरान खान के दस्ते बाजू बन के खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आप सबको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद और फिर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।